Can be in 800 रुपीस, तो 800 रुपीस में हम कितना सकते? Okay. तो मैं एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा तो क्या है अगर मुझे बताया जाए कि भाई सौ रुपए लीटर पेट्रोल है लीटर लीटर पेट्रोल है तो मुझे कितने मिलेगा सिंपली आप क्या करोगे वन थाउजेंड को एक लीटर के भाव से डिवाइड कर दोगे और बता दोगे कि दस लीटर मिलेगा इसी तरह अगर एक्स रुपीज में घी एक किलो मिलता है तो मैं मेरे पास जो एट हंड्रेड रुपीज है उसको एक्स से डिवाइड कर दूंगा एक के की प्राइस से तो मुझे इतना इतना मेरे को मिलेगा जब मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे कितना के मिलेगा वो पता चल जाएगा अभी प्राइस बढ़ जाता है ठीक है प्राइस बढ़कर कितना होता है ट्वेंटी रुपीज बढ़ जाता है ठीक है ओके इसको हम ट्वेंटी एक्स नहीं बोलेंगे इंक्रीज बाय ट्वेंटी यानी बीस रुपए बढ़ता है ट्वेंटी को बोलता है बाय ट्वेंटी टाइम्स बोलता है टाइम्स यानी मल्टीपल हो गए प्राइस ये मल्टीपल नहीं हो रही है प्राइस ये बढ़ रही है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा ए यस एट हंड्रेड अपॉन एक्स प्लस ट्वेंटी वेरी वेरी इजी सो इसमें नो मेथड जस्ट यूज योर माइंड एंड आंसर दिस ऑफ क्या कहा है कि अगर y 2 3 square square K. क्या बोला है कि वाई जो है उसकी वैल्यू टू अपॉन थ्री रख दो और के वैल्यू फाइंड आउट करो इन शॉर्ट ऐसा बोला है तो आई विल डू दैट मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पास इक्वेशन है मैं y जहाँ जहाँ y दिखता है वहाँ y की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ टू अपॉन थ्री सो मैं जहाँ जहाँ y दिख रहा है आई विल आई विल पुट टू अपॉन थ्री ओवर देयर माइनस टू अपॉन थ्री प्लस एट इज इक्वल टू जीरो फोर अपॉन नाइन अभी देखो कभी भी थ्री टू जिक्स नहीं करना है ठीक है कभी भी नहीं करना है ठीक है और दूसरी बात कि ये थ्री है वो टू के साथ है कि डिनोमिनेटर थ्री के साथ है ऑलवेज टू के साथ है थ्री के साथ तो वन होगा अगर ये थ्री यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं लिखते तो भी वो टू के साथ होता ठीक है क्योंकि थ्री के नीचे कुछ नहीं है तो वन न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर ठीक है ओके अभी टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन ये ऐसे कैसे ही है माइनस टू के अपॉन थ्री प्लस एट इज इक्वल टू जीरो

फोर वन जा फोर टू के वन टू वन टू के प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर कहाँ गया दैट्स अ क्वेश्चन दैट्स अ क्वेरी देखो कोई भी नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर पे कोई चेंज नहीं आता है जैसे मैं मैं बोल रहा हूं, one upon two. So one upon two का मतलब क्या होगा? मैं one को two से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव अभी ऊपर नीचे मैं एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग टू एंड अगेन टू सो ये नंबर क्या हो जाएगा टू वन जो टूं फोर ठीक है नाउ लुक एट दिस मैं

ठीक है, सो इट विल बीज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी माइनस भी कैंसिल हो जाएगा टू फोर्टीन करेक्ट आंसर लेट्स गो नेक्स्ट ओके okay. अभी इसमें से मुझे पता करना है कि किसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों आंसर सेम आएंगे ओके okay. इसमें व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे एग्जाम में ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा बी चेक करना पड़ेगा सी चेक करना पड़ेगा डी चेक करना पड़ेगा लेकिन व्हाट यू हैव हैव टू डू अ ग्लांस एक बार देखो और जो भी इजिएस्ट लग रहा है कि मुझे लग रहा है की ये करेक्ट होगा तो उस पर ट्राई करके देखो सपोज इसमें मैं डायरेक्ट सी पे ट्राई करता हूँ ठीक है अभी कंडीशन बनाना आपको आ गया है क्योंकि मैंने आगे के वीडियोस में बताया कंडीशन कैसे बनानी है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे 16 चाहिए और अगर प्लस कर रहे हैं तो मुझे माइनस -8 चाहिए ठीक है ओके okay. अभी मैं पार्टीशन करूंगा 16 के इस तरह की कंडीशन जो फुलफिल करते हैं तो मैं इसके स्मालेस्ट पार्ट बनाऊंगा स्मालेस्ट यस डोंट गो फॉर इवन 4 4 4 16 2 से स्टार्ट करना है 2 8 16 2 4 8 To and and so, इसे क्या हो जाएगा अगेन so, so, यहाँ पे लिख देता हूँ फोर फोर तो यस इधर प्रॉब्लम आया आई नीड माइनस एट एंड इट इज प्लस एट तो मैं क्या कर रहा हूँ

दोनों रूट सेम आए दिख रहा है माइनस फोर माइनस फोर अभी मैं मेथड दिखा रहा हूँ लेकिन now we, we know कि ये जो है वो आंसर है. इसमें से मैंने एक्स कॉमन लिया दूसरे में से क्या करना है common लेने के के लिए दोनों में से, से कर उसको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है ठीक है दोनों के लिख दो so मुझे दोनों के रूट सेम मिल गए तो मेरा आंसर होगा सी x2 8x plus 16 ठीक है अभी इसमें d फाइंड आउट करना है d यानी उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यानी ap एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर कोई भी ap एम बना रहे हैं तो वो कोई भी दो टर्म के बीच सेम सेम डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस क्या है ठीक है अभी उसने sn बोल दिया है ठीक है sn और tn में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखा रहा हूं sn यानी टू फोर सिक्स एट एंड एन इसको हम बोलेंगे टी टू इसको हम बोलेंगे टी थ्री और इसको बोलेंगे टी फोर ठीक है ओके एस वन यानी सम तो फर्स्ट टर्म का टोटल तो टू ही होता है तो एस वन एस वन विल बी सेम एस

Suppose मेरे पास S4, S3 है, S4, S3 है, और मुझे टी फोर पता करना है तो क्या करना है एस फोर में से एस थ्री माइनस कर दो ट्वेंटी में से ट्वेल्व गया तो एट तो मुझे टी फोर पता चल गया सी लेट मी मेक इट मोर क्लियर देखो ये टू फोर सिक्स एट वाली जो टर्म है उसमें समझो कि मुझे मेरे पास ये है ही नहीं ये है ही नहीं

टी वन यानी मैंने अभी बताया टी वन एस वन टी वन एस वन सब सेम होगा. Okay, अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ एस वन ढूंढ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ यही इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ एन की जगह वन वन सो ये क्या हो जाएगा वन थ्री प्लस टू फाइव सो माई आंसर इज फाइव एस वन फाइव है एस टू क्या है मैं वैल्यू रख रहा हूँ टू जहां भी मुझे एन दिख रहा है सो so, इसमें क्या करना है कभी भी टू टू फोर मत करो पहले इसकी डिग्री निकालो टू टूर प्लस, एट प्लस, एट प्लस एट बी अभी, अभी मुझे पता करने तो ये, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है उसमें डी क्या आएगा टू आएगा फोर माइनस टू टू सिक्स माइनस फोर टू एट माइनस सिक्स टू अगर मैं सिक्स माइनस टू करूंगा तो दैट इज नॉट माय कॉमन डिफरेंस रॉन्ग आंसर आ जाएगा तो मेरे पास तो ये वैल्यू है सिक्स और टू वाली ये जो वैल्यू है दो टर्म का टोटल है ये

तो 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 अभी अभी तो T2 T2 कर सकते हैं, right? okay, so okay, so okay, इसमें क्या बोला है? है तो है. ये इसका जो आंसर वो theory में से आपको मिल जाएगा. Arithmetic progression के दी गई उसमें आंसर है इसका डी ओके okay, इसमें क्या बोला है कि एक एरेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें तीन टर्म दी हुई है और तीनों तीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन फोर्टी एट है तो सेकेंड टर्म ऑफ ए पी अगर दूसरी टर्म क्या होगी ठीक है सपोज ये एक टर्म है ठीक है ओके okay, ऐसा नहीं लेट्स डू लाइक दिस ये एक टर्म है है ठीक है? और मैं दिखा रहा हूं कि इसमें डी जो है वो टू है डी जो है वो टू है तो इसकी इस, इसको हम ए बोलेंगे इसके बाद वाली टर्म कैसा पता चलेगी तो इसमें मैं करूंगा ए प्लस डी ए की वैल्यू फोर प्लस डी तो ये मुझे मिल जाएगा सिक्स अभी इसके आगे की टर्म कैसे पता करेंगे पता करनी है तो ए माइनस डी और फोर में से टू गया तो टू तो ये एक एपी बन गया ठीक है तो इसी तरह मैं सपोज कर लेता हूं कि जो तीन तीन जो एपी की टर्म है फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो मैं ये मान लेता हूँ ए माइनस डी ए ए और कोई भी टर्म में डिफरेंस सेम आता है तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ मुझे ये इसीलिए करना है क्योंकि मुझे दो टर्म का डिफरेंस सेम चाहिए ये मैं कर लेता फोर A A, A ले तो निकालो, तो निकालो तो भी टू आएगा तो ये आइडिया में इसमें अप्लाई कर रहा हूँ माइनस टी वन जो है टी टू माइनस टी वन जो है और टी टू प्लस टी वन है दोनों सेम आएगा ठीक है अभी

टर्म टू फाइंड आउट करनी है ठीक है तो आगे प्रोसेस अभी बाकी है एस एन का फॉर्मूला ये है उसमें एस थ्री लिख रहा हूँ ठीक है मैं एस थ्री क्यों लिख रहा हूँ मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ देखो मैं थ्री लिख रहा हूँ ए की वैल्यू मेरे पास है सिक्सटीन एन माइनस वन ठीक है ये एस थ्री की वैल्यू फोर्टी एट है राइट Okay, so, oh, I think, I think, I think मैं आगे explain कर रहा हूं। इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें हो हो गया 16 answer हो गया ठीक है क्योंकि इसमें आगे कुछ करने का बोला नहीं है तो आई थिंक मैं थर्ड टर्म गलत फाइंड आउट कर रहा हूँ ये उसने बोला है कि अगर इसमें सेकेंड टर्म क्या हो गई तो ये टी वन हो गई ये टी टू हो गई सो टी टू इज सिक्सटीन ठीक है क्या बोला है उसने कि पी क्यू आर कोरिस्पॉन्डिंग वॉट

ये सपोज ये ट्राइंगल को मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ देखो अभी मैं स्ट्रेट करने के लिए पॉसिबल है लेकिन एग्जाम में नहीं होगा तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है लेकिन सपोज मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ठीक है तो पहले में जहाँ P है आंसर बनना था सिखाता हूँ पहले में जहाँ P है वहाँ इसमें क्या है E है तो मैं लिख दूंगा E ठीक है, है फिर पहले में जहाँ क्यू है वहाँ दूसरे में एफ है फिर पहले में जहाँ आर है वहाँ डी है तो मैं आंसर इज ई e, एफ डी पहले में जहाँ पी है वहां ई e है जहां क्यू है वहां एफ है so e F D, F D, B जो है है। वो मेरा correct answer है। अगर ऐसा में तो possible है ही नहीं, because you cannot rotate, rotate नहीं नहीं ये हो हो सकता। तो what I will do, rotate नहीं हो सकता तो तो मुझे इतना पता चल गया कि जहाँ पी है वहां ई e है ठीक है तो मैं पहला ई वाले ऑप्शन देखूंगा ई तो वाले दो ऑप्शन है दिस वन दिस वन तो मैं ये दोनों को तो कैंसिल कर दूंगा पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों में से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा तो ये दोनों में से मुझे ये ऑल्टरनेट कर देना है कैसे ऑल्टरनेट कर देना है तो देखो Q है तो उसके सामने ये आएगा अगर स्ट्रेट करेंगे तो और ये आएगा उस तरह सोचना है तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा ओके okay. ट्यूशन ने मैथमेटिक्स के वीडियो के अलावा एमसी uh, के लिए एक एप्लीकेशन बनाए हुए जो बहुत ही यूजफुल है जिसको हम ई एम बुक बोल सकते हैं आप हिरान पे स्टडी मेटर सेक्शन में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो